नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदार रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज आपके लिए हम लोग एक और नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, ऑक्सीमेट का बाईपैप ST मॉडल है। इसकी MRP 89,990 है, 89,990, 89,900। इसके अंदर आपको एक बाईपैप यूनिट मिलेगा, एक ह्यूमिडिफायर मिलेगा, एक होज पाइप मिलेगा, एक फुल फेस मास्क मिलेगा, पावर अडेप्टर मिलेगा, पावर कॉर्ड है, यूज़र मैनुअल है और एक USB ड्राइव मिलेगी और एक कैरी बैग इसके अंदर आपको मिलेगा। हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये बैग है, बैग के अंदर सब कुछ है इसमें। ये फुल फेस मास्क इसमें मिलेगा आपको, एक ऑक्सीमेट का ही मास्क है और एक यूजर मैनुअल आपको मिलेगा। और एक और बुकलेट है इसके अंदर, P1 सीरीज है। स्टार्ट। एक यूजर मैनुअल पूरा बुकलेट है डिटेल में, P1 मॉडल है हमारा ये। एक और छोटी बुकलेट इसके साथ में है। एक फुल फेस मास्क निकलता है इसमें से। एक इसमें हमें स्मूथ बोर ट्यूबिंग मिलेगी, 6 फीट ट्यूबिंग है स्मूथ बोर। और एक ये छोटी सी और किताब है जिसको क्विक रेफरेंस गाइड या क्विक यूज़र गाइड आप बोल सकते हैं। क्विक रेफरेंस के लिए जल्दी से आप इसको देख सकते हैं, पूरा डिटेल नहीं है इसमें। यूज़ करने में क्विक रेफरेंस आपको जो चाहिए वो आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें निकलता है एक पावर अडेप्टर, 24 वोल्ट, 2.5 एम्पेयर्स का, 100 to 240 वोल्ट्स तक आप 50-60 हर्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर कॉर्ड है। और ये मेन यूनिट ह्यूमिडिफायर के साथ में है। ह्यूमिडिफायर के साथ में मेन यूनिट है। दो इसमें आपको फिल्टर्स मिलते हैं, एयर इनलेट फिल्टर्स हैं। एक फिल्टर लगा हुआ है मशीन में और दो एक्स्ट्रा इसके साथ आपको मिलेंगे पैकिंग में। और एक ये USB पेन ड्राइव मिलेगी आपको डाटा कॉपी करने के लिए, 16 GB की पेन ड्राइव है ये आपको इसके साथ मिलती है। इसका पावर अडेप्टर जो है, इसका कनेक्शन इस टाइप का है, डी टाइप कनेक्शन है। यहाँ से ऊपर से राउंड है, नीचे से फ्लैट है, तो आप इसको डी कनेक्टर कह सकते हैं। मशीन के आगे पीछे इसके कंट्रोल्स देख लेते हैं। ये मशीन के साथ ह्यूमिडिफायर अटैच किया हुआ है, ऊपर से 360 डिग्री स्विवल है। इसको डिटैच करने के लिए मशीन के पीछे पुश बटन है, इसको पुश करेंगे तो ये डिटैच हो जाता है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर में से यहाँ से इसका ये क्लिप है जो, इसको थोड़ा सा अंदर पुश करेंगे तो ये ढक्कन ओपन हो जाएगा इसका। चैम्बर बाहर निकालिए। इसमें जो पानी है वो आपको मीडियम लेवल तक रखना है, मैक्सिमम से थोड़ा कम रखना है, मीडियम भी रख सकते हैं आप। इसमें RO वाटर यूज़ करना है और डेली चेंज करना है इसको। जो पचा हुआ पानी होगा वो आपको बाहर फेंक के इसको साफ करके फ्रेश पानी दोबारा डालना है और इसको डाल के वापस इसमें पुश करना है और इसको फ्लिप करना है। ये बंद हो जाएगा, लॉक होने की आवाज़ आ गई तो ये बाहर नहीं आएगा चैम्बर। और इसको अटैच करने के लिए वापस मशीन के साथ रखेंगे। वापस करने के लिए इसको पीछे से बैक जो है इसके बराबर रख के इसको आपको पुश करना है। ये वन पीस बन गया, लॉक हो गया इसके अंदर।
पानी डालने के लिए आपको रोज ह्यूमिडिफायर डिटैच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से इसको पुश करेंगे, ऊपर उठाएंगे और चैम्बर बाहर निकाल के पानी डालेंगे, साफ करेंगे, पानी डाल के वापस इसको इसमें स्लाइड करेंगे। ये इसके अंदर इसका हीटर बेस है, हीटेड ह्यूमिडिफायर इसके साथ आपको मिलता है। ये गर्म होती है प्लेट, तो सर्दियों में आपका जो पानी है आप इसको गर्म करके यूज कर सकते हैं। ये आपका ह्यूमिडिफायर हो गया। मशीन के पीछे कंट्रोल्स देखते हैं, पीछे यूएसबी पोर्ट है, जो पेन ड्राइव आपको दिखाई थी वो इस पोर्ट में लगा के हम लोग इसका डाटा कॉपी कर सकते हैं। ये पावर कनेक्शन है, यहाँ पे एयर इनलेट फिल्टर है, यहाँ से इसको निकालने के लिए ये पुश करेंगे, ये बाहर आ जाता है, फिल्टर निकाल के आप डस्टिंग कर सकते हैं, डस्टिंग करके इसको वापस लगाना है। लगाने के लिए इसका शेप देखना है, ये जो ऊपर कट है ये यहाँ पे आएगा, उसी शेप में बैठेगा और ये उल्टा लगेगा नहीं, क्योंकि जैसे इसकी शेप है वैसे ही इसको बिठाना है। इसके अंदर बिठा के इसको वापस पहले नीचे से लगाना है और ये इसमें बैठ जाएगा। मॉडल P1 ऊपर भी लिखा हुआ है। आगे इसका कंट्रोल नॉब है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है, सारे कंट्रोल्स जो हैं डिस्प्ले जो भी इसमें आएगा वो सब स्क्रीन में आएगा। ये पावर लाइट पावर LED ग्लो होगा यहाँ पे। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मशीन के पीछे देखेंगे, इस अडेप्टर का जो पावर कनेक्टर है इसको इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, एरो को ऊपर की तरफ रखना है ताकि आपको दिखाई दे, ऊपर की तरफ रख के इसमें इंसर्ट करना है। ये इसको जब आप इसमें लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसे निकलेगा नहीं खींचने से। इसमें ये देखिए, ये इसमें लॉक है, स्लाइडिंग लॉक है, इस चीज़ को पकड़ के पीछे खींचेंगे तो ये निकल आएगा। लगाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही एरो जो है वो ऊपर की तरफ रख के इसको अंदर पुश करना है आपको। अब इसको ऑन करके देखते हैं। पावर कॉर्ड जो है इसका 2-पिन पावर कॉर्ड है, इसको इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने पे यहाँ पे आपको पावर अडेप्टर काम कर रहा है तो यहाँ पे भी इंडिकेटर दिया गया है, ग्रीन लाइट आ जाएगी। मशीन की होम स्क्रीन ये है, इसको होम स्क्रीन में आपको दिखाई देगा ट्रीट और प्री हीट। ट्रीट करने में क्या, ट्रीट पे रख के इसको अगर हम पुश करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी और आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा, वर्किंग जो है मशीन की वो आप देख सकते हैं। आईपैप ईपैप दिखाई दे रहा है, नीचे लीक दिखाई दे रहा है, टाइडल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, IE रेशियो दिखाई दे रही है। इसको चेंज करते हैं तो पीक फ्लो भी दिखाई देता है, रेस्पिरेटरी रेट दिखाई देता है। थर्ड ऑप्शन करते हैं तो मिनट वॉल्यूम भी दिखाई देता है। एक और रोटेट करते हैं एक बार और तो वापस होम स्क्रीन पे आ जाता है। अभी इसको हम बंद करते हैं, बंद करना है तो थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड के लिए, एक बीप आएगी और ये बंद हो जाएगा। अब इसके डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं, सेटिंग्स देख लेते हैं। इसको रोटेट करेंगे नॉब को तो ये प्री हीट पे आ जाएगा। प्री हीट पे इसको प्रेस करेंगे, प्री हीट का मतलब है जब आपको मशीन यूज़ करना है तो पानी जो है आपको यूज़ करने से पहले गर्म मिल जाए ताकि आपको मशीन यूज़ करते टाइम ठंड ना लगे। इसको अगर आप ऑन कर देंगे ऑन ऑफ ऑप्शन पे रख के, जो हाईलाइटेड होगा वो ऑप्शन काम करेगा। ऑफ को हाईलाइट करेंगे तो ऑफ है इस टाइम, ऑन करके रखेंगे तो प्री हीट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आइकन दिखेगा हीट का कि प्री हीट ऑन हो गया, ह्यूमिडिफायर गर्म हो रहा है अभी। तो अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है तो इसको हम ऑफ कर देते हैं।
नेक्स्ट इसको रोटेट करेंगे तो सेट आ जाता है, सेट ऑप्शन पे इसको प्रेस करेंगे तो मोड आ जाएगा, मोड को प्रेस करेंगे तो एसटी आ गया। इसमें देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जब ये कर्सर हाईलाइट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स दिखाएगा। तो हम बेसिक मोड से शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें सी पैप है, एस है, बाईपैप एस है, एसटी है, टाइम्ड मोड है, पीसी मोड है, वैट मोड है, इसमें वॉल्यूम एश्योर्ड थेरेपी जैसे फिलिप्स में अवैप्स आता है, वैट में हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम एश्योर्ड थेरेपी में क्या क्या इनके पैरामीटर्स हैं। इसको जैसे हमने एक्टिवेट कर लिया तो उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे, जैसे अवैप्स यूज़ करते थे फिलिप्स में वैसे ही है। इसमें मैक्सिमम आई पैप आ जाएगा, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर इसमें 30 तक है। मिनिमम आई पैप आ जाएगा, ई पैप आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम आप टारगेट वॉल्यूम इसमें आप रख सकते हैं, ब्रेथ्स पर मिनट बीपीएम सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी, आई रेशियो सेट कर सकते हैं, राइज टाइम आपका इसमें 6 तक है, 1, 2, 3 आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। एग्जिट, ये इसके वॉल्यूम वैट मोड के वॉल्यूम एश्योर्ड थेरेपी के पैरामीटर्स थे। फिर से मोड देखते हैं, नेक्स्ट मोड जो है फिर से सी पैप में आ गया। सी पैप में आपको सिर्फ प्रेशर मिलेगा, कॉन्टिन्यूस एक प्रेशर मिलेगा, वही सेटिंग आप कर सकते हैं, और कुछ सेटिंग नहीं है इसमें। सेटिंग करके आप एग्ज़िट कर लीजिए। कोई भी मोड सेट करके आपको चलाना है उसके बाद में इसको मोड पे वापस आके एग्ज़िट कीजिए, फिर से एग्ज़िट कीजिए। एग्ज़िट नहीं होगा, यहाँ पे वापस रोटेट करके आपको ट्रीट पे लाना है। ट्रीट पे लाके इसको प्रेस कर देंगे, ये ओके सी पैप आ गया और प्रेशर आपने जो सेट किया था वो प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है। लीक आपको दिखाएगा, टाइडल वॉल्यूम दिखाएगा, आई रेशियो दिखाएगा, पीक फ्लो, रेस्पिरेटरी रेट, मिनट वॉल्यूम, बंद करने के लिए 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से बाकी मोड देखते हैं, सेट पे आके फिर से इसको प्रेस करेंगे, मोड आ जाएगा, मोड पे प्रेस करेंगे, उस सेटिंग मेन्यू में चला गया, सेटिंग मेन्यू में मोड पे फिर से प्रेस करेंगे, सी पैप के बाद में बाई पैप है, बाई पैप को प्रेस करेंगे तो इसके पैरामीटर्स आ गए, आई पैप, ई पैप, कॉम सेटिंग, आप इसमें कंफर्ट सेटिंग जो है आप इसको ऑन करेंगे तो 1, 2, 3 करके इसमें है, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, ऑफ रखना है ऑफ रख सकते हैं, राइज टाइम आप इसमें भी सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। एग्जिट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एस के बाद में एसटी मोड है, एसटी मोड में आपको बाईपैप, आईपैप, ईपैप और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, राइज टाइम मिल जाएगा और फिर एग्जिट। नेक्स्ट एसटी के बाद में टाइम्ड मोड है, टाइम्ड मोड में आपको आईपैप मिलता है, ईपैप मिलता है, फ्रीक्वेंसी मिलती है, आई रेशियो मिलती है, राइज टाइम मिलता है, एग्जिट। नेक्स्ट मोड इज प्रेशर कंट्रोल मोड है, प्रेशर कंट्रोल मोड में आपको क्या मिलता है, आई पैप मिल जाएगा, ई पैप सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, आई रेशियो, राइज टाइम, एग्जिट।
उसके बाद में वैट हम देख चुके हैं, प्रेशर कंट्रोल के बाद वैट है, वैट हम देख चुके हैं। ये मोड हमने एक्टिवेट एसटी में रख लिया, अभी इसको एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट कर लिया, एग्ज़िट करने के बाद में मोड के आगे जो सेटिंग है वो पैरामीटर्स की है, पैरामीटर्स पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो क्या सेटिंग्स आती हैं। रैम टाइम आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कुछ भी एडजस्ट करना है आपको उसको सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, चेंज कीजिए, फिर क्लिक करके कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद में रैम स्टार्ट प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आपको सेट करना है, रैम स्टार्ट प्रेशर तो वो आप सेट कर सकते हैं, सपोज 6 रख लीजिए। ह्यूमिडिफायर ऑन ऑफ़ करना है वो आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स 1 to 5 हैं, 1 इज़ मिनिमम, 5 इज़ मैक्सिमम। अभी पानी नहीं है तो हम ऑफ़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो ऑन, ऑटो ऑन को आपने ऑफ़ रखा हुआ है तो मशीन खुद से ऑन नहीं होगी, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप मास्क लगा के जब ब्रीथ करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑटो ऑफ, ऑटो ऑफ को अगर आप ऑन कर देंगे, पहले ये डिस्कनेक्ट ऑन करना पड़ेगा, ऑन करेंगे उसके बाद में ऑटो ऑफ करेंगे तो इसको मशीन से जब आप मास्क उतार के रखेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, आपको यहाँ से ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद में मशीन खुद ही ऑन हो जाती है, खुद ही ऑफ हो जाती है जब आप मास्क लगाते या उतारते हैं। एपनिया ऑफ, एपनिया अलार्म आप रख सकते हैं, लो मिनट वॉल्यूम अलार्म आप इसमें रख सकते हैं। एग्जिट पैरामीटर के बाद आप टाइम ऑप्शन है, टाइम में जाएंगे तो आप डेट और टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं इसका। एग्जिट ये हमारी इसके अंदर सेटिंग्स हैं। सिस्टम में आगे जो हमारा ऑप्शन एक आता है, एक मिनट में दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये होम स्क्रीन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रीट है, प्री हीट है, ये सब देख चुके हैं हम। सेट में अब हमारा मोड आ जाता है, सिस्टम में जाके जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आउटपुट आ जाता है। आउटपुट जो हमारा मशीन का डाटा है वो हम एक पेन ड्राइव में लेते हैं और कंप्यूटर से डाउनलोड करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं डाटा। वो देखने के लिए इसको जब आउटपुट पे हम प्रेस करेंगे तो ये बोलता है इंसर्ट यूएसबी डिस्क। तो यूएसबी डिस्क जो हमें साथ में मिली थी इसके, वो हम इसके अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाएंगे। ये जो डिस्क हमें मिली थी ये हम जो पेन ड्राइव है ये इसमें लगाएंगे तो ये डाटा इसमें ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो के आप फिर इसका प्रिंट आउट लेके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसमें कोई अपडेट होगा तो अपडेट हम लोग कर सकते हैं। बैक लाइट जो है ऑन ऑफ कर, ऑटो रखना है या ऑन ही रखना है या ऑफ ही रखना है वो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, रीसेट मशीन को कर सकते हैं। वर्क टाइम मशीन का, थेरेपी आवर्स आप देख सकते हैं जब मशीन चलेगी। एग्जिट इवेंट में अभी कुछ नहीं है क्योंकि नई मशीन है, कुछ चला नहीं है अभी।